पिछले महीने मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया था वो कह रही थी कि उसका एक साइज़ का ब्रेस्ट डेवलप नहीं और दूसरी तरफ का जो ब्रेस्ट है वो डेवलप है थोड़ा लटका हुआ भी है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है साइज़ में और उसमें तो उसी बच्ची को मैंने अभी बुलाया है जिसकी सर्जरी के जिसके एक्सप्लेन करूंगा तो लेकिन ये देखिए पोलेंट सिंड्रोम होता क्या है इसमें ये होता है कि एक साइड की ब्रेस्ट आपकी डेवलप होती है एक साइड की डेवलप नहीं होती है और ये कंजेनाइटल uh, है एक बर्थ डिफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं जो होता है अब जब बच्ची यंग हो जाती है किशोरावस्था के बाद तो उसको नेचुरली इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है और शादी करनी होती है और अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी रहे तो नेचुरली किसी भी लड़की के मन में एक तरह की हीन भावना रहती है और एक आगे चल के उसको ये डर लगा रहता है भय होता है कहीं उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए तो अगर जो ब्रेस्ट है जो डेवलप नहीं है उसको कैसे डेवलप किया जाए इसके दो तीन तरीके होते हैं मतलब कई सालों से पहले हम क्या करते थे हम इसमें बैलून डाल देते जिसको टिश्यू एक्सपेंडर बोलते थे तो हम लोग टिश्यू एक्सपेंडर डालते थे ब्रेस्ट के अंदर और उसमें पानी डालते थे पानी डाल के हम लोग उसको इतना फुला देते थे कि दोनों के साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाएं और फिर उस जितना पानी हमने डाला है उसी हिसाब से हम लोग का ऑर्डर करते थे और उस साइज़ का इम्प्लांट हम डाल देते थे तो इसमें यूजली दो प्रोसीजर होते थे आ, पहला गुब्बारे को डालना जिसको टिशक्स वेंडर बोलते हैं फिर उसमें तीन चार महीने में वेट करना पड़ता था जब तक हम उसको पानी डाल के स्किन या ब्रश को इतना न फुला दें कि बराबर साइज़ की हो जाए फिर हम उसको निकालते थे और नया इम्प्लांट डालते थे तो ये चूँकि इसमें कम से कम दो सीटिंग लगती थी और तीन से छः महीने का टाइम लगता था तो सब पेशेंट के लिए शादी इतना सूटेबल नहीं होता था लेकिन अगर आपके पास वक्त है समय है तो ये प्रोसीजर भी किया जा सकता है तो इस बच्ची को प्रॉब्लम थी इसको शादी करनी थी तो जब मैंने इसको बुलाया तो उसने ये कहा कि भाई उसकी शादी करनी है उसका इतना टाइम नहीं है तो फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इसको हम लोग इम्प्लान डालेंगे लेफ़्ट साइड में जहाँ पे उसके ब्रेस्ट डेवलप नहीं है और जितना हम बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हैं जितना उसकी पॉकेट ले सकती है उतना हम इम्प्लांट डालेंगे बच्ची कुछ भी आ, जिसे बोलते हैं कि स्कार नहीं चाहती थी ब्रेस्ट पे तो हमने उसका अंडर आर्म से यहाँ से लेके उसका इम्प्लांट को अंदर डाला है और चूंकि पॉकेट बड़ी टाइट थी तो हमने इसमें रफली दो, दो सौ दस सीसी करीब इम्प्लान डाला है और पॉकेट टाइट होने के साथ आप देख सकते हैं हम कि इसमें ये जो ब्रेस्ट है ये काफ़ी टाइट हो गई है और इससे ज़्यादा उसमें कोई स्कोप भी नहीं इसको करने का लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है प्रॉब्लम यह कि जो दूसरी साइज़ है जो डेवलप है वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप है और थोड़ी ब्रेस्ट लटकी हुई भी है तो मैंने बच्ची को बोला था कि भाई अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसको भी कम कर देंगे इस केस स्टडी में ये बता रहा हूँ कि उस बच्ची के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको शादी हो रही है और वो नहीं चाहती कि कोई भी स्कार उसकी नॉर्मल ब्रेस्ट पर आए तो फिर हम दोनों ने मिलकर ये एक डिसीजन लिया है कि भाई लेफ्ट साइड में इम्प्लांट डालने के बाद वो नेचुरली शादी करेगी जो डिस्क्रिपेंसी थोड़ी बहुत है वो अपने पति से डिस्कस करेगी उसको कन्विंस करेगी और फिर वो हम आएगी हमारे पास दूसरी तरफ का जो ब्रेस्ट है बड़ी उसकी ब्रेस्ट के साइज को कम करने के लिए लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो ये है कि उस वो अपने पति को कॉन्फिडेंस में लेके आएगी अगर कुछ स्कार आता भी है तो उसके पति को पता रहेगा कि उसकी अगले महीने शादी होने वाली है और चूंकि पति को पता रहेगा तो इसलिए उसको शादीशुदा जिंदगी में आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये जो प्लान हमने बनाया ये कस्टमाइज किया है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो एक दो साल पहले आती तो तब तो मैं शायद उसको दूसरे ऑफ़र भी देता फैट के भी ऑफर देता है इंजेक्शन फ़ैट के या टिश्यू एक्सपेंडर के ऑफ़र देता है अलग तरह से लेकिन इस बच्ची की प्रॉब्लम थी शादी जल्दी करनी है टाइम नहीं है ना टिश्यू एक्सपेंडर का ना फैट का क्योंकि फैट भी हम डालेंगे तो थोड़ी अब्जॉर्व होती है फिर छः महीने बाद दोबारा डालनी पड़ सकती है तो इस बच्ची के हिसाब से हम दोनों ने मिलकर डिसन लिया कि भाई इम्प्लान डालेंगे और शादी के बाद बच्ची दूसरी तरफ आएगी जिसको कि हम लोग फिर उसको करेक्ट करेंगे ताकि उसका जो टोसिस है थोड़ा बड़ा साइज उसको कम किया जा सके तो ये एक चीज़ है जो मैंने जिसकी इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको आप, आप देखेंगे उसको और आप ये देखिए कि जो अंडर डेवलप थी वो कितनी डेवलप हो गई है हालांकि दोनों साइड डिस्क्रिपेंसी अभी पता चलेगी लेकिन वो शादी के बाद जब आएगी तो हम दोनों साइड की डिस्क्रिपेंसी को भी आ, कम कर सकेंगे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ऐसे काफ़ी केसेस हैं जनरल पॉपुलेशन में भी और अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मित्र को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका समाधान है इसका इसको ठीक किया जा सकता है और आप अपने शहर के किसी भी अच्छे योग्य कॉस्मेटिक सर्जन संपर्क कर सकते हैं ताकि वो आपका इलाज करें और उसको ठीक कर सके इससे रिलेटेड आपके मन में अगर और कोई प्रॉब्लम है कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आपका स्वागत है आप हमारी टीम से संपर्क करें हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच